गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आज का ये जो हमारा टॉपिक है, दिस इज नॉट अबाउट एनी चैप्टर ऑफ 6, 7, 8, 9 to 10. दिस इज द बेसिक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट SST, राइट? क्योंकि वी आर स्टडिंग SST फ्रॉम सिंस 6, 7, 8, 9 and 10, और फिर हम उसको अलग अलग वर्जन में पढ़ते हैं. तो एज अ SST टीचर, मैं आपको एक चीज आपके साथ रिवाइज करना चाहता हूँ जो आपको ऑलरेडी पता भी है, और जो अगर नहीं पता है तो वो हमें पता होनी चाहिए, राइट? तो उसको शुरू करने के साथ ही आप देखेंगे कि आवर सब्जेक्ट नेम इज SST और SSC, है ना, सोशल स्टडीज या सोशल साइंस हम इसको बोलते हैं. तो SST में आप जानते हैं कि 8 तक हम सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स पढ़ते हैं, और 9th और 10th में इकोनॉमिक्स को भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, हिस्ट्री, राइट? तो हिस्ट्री जो है, इसमें हम बेसिकली क्या देखने जा रहे हैं कि ये जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सिविक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये जो हमें इतनी तरीके की जो हमें नॉलेज जो मिल रही है, ये इसके पीछे वो कौन से लोग थे या कौन वो व्यक्ति था जिसको एज अ फादर ऑफ हिस्ट्री या फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ सिविक्स कहा जाता है. ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने या व्यक्ति ने ये चीज शुरू की होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई एक ऐसी कृति या कुछ ऐसा लिखा या कुछ ऐसा उन्होंने किया जिसकी वजह से लोगों का उसकी तरफ ध्यान जाने लगा, और उन्हीं को फिर एज अ रिगार्ड हमने उन्हीं को फादर ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे आपके फादर ऑफ हिस्ट्री है, जैसे वैसे फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ हिंदी, इन सब के भी फादर्स होते हैं. लेकिन एज आई एम योर SST टीचर, विल डिस्कस अबाउट द फादर्स ऑफ द SST सब्जेक्ट. तो हिस्ट्री, हिस्ट्री के फादर कौन है? हिस्ट्री के जो फादर है वो है, उसको याद करने के लिए हम देखेंगे हर एक मूवी में क्या होता है, हीरो, हीरो, विलन, हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, काफी कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन हम उसमें से हम किसको देख रहे हैं, जो मेन होता है, दैट इज हीरो, राइट? तो अब आप बताएंगे कि ये जो मैंने एक छोटी सी एक डॉट लगाई है, ये इसको और किस किस नाम से आप जानते हैं? इसको फुल स्टॉप भी बोलते हैं, राइट? इसको डॉट भी बोलते हैं, इसको मतलब हम कोई सेंटेंस खत्म हो रहा हो तो मतलब अलग अलग नाम से हम इस डॉट को जानते हैं ना, फुल स्टॉप भी हम कह सकते हैं, डॉट भी कह सकते हैं. तो हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, डॉट. और वी का एक्टिव या पैसिव, अस, है ना, वी मतलब हम, अस मतलब भी हम, अस. तो ये पूरा नाम क्या बन गया, हीरो डॉट अस. तो द फादर ऑफ हिस्ट्री इज हीरो डॉट अस. ओके, हीरो डॉट अस, एच फॉर हिस्ट्री, एच फॉर हीरो डॉट अस. इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था हिस्टोरिका, KA, क्योंकि ये ग्रीक लैंग्वेज में ये लिखी गई थी. अब इसको द हिस्ट्रीज भी बोलते हैं, लेकिन इसको जो इसका नाम दिया गया था, दैट वाज हिस्टोरिका. तो आपने देखा द फादर ऑफ हिस्ट्री इज नॉन एज हीरोडोटस, हर एक मूवी में कौन होता है, हीरो, ठीक है. उन्होंने जो बुक लिखी दैट वाज हिस्टोरिका. अब ये जो हीरोडोटस थे, ये थे ग्रीस के, ग्रीस आज एक कंट्री है जिसको पहले यूनान बोला जाता था. और आप जानते हैं कि जो आज हम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज देख रहे हैं किसी भी कंट्री की, ये हमेशा से ऐसी नहीं रही है ना. रोमन एम्पायर बहुत बड़ा हुआ करता था, इंग्लैंड की जो कॉलोनीज थी वो कहां कहां तक फैली हुई थी. तो इसी तरीके से जो यूनान है, ये बहुत ही पुराना, प्राचीनतम, और इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. तो हम एक बार देखते हैं पहले ग्रीस कहां पर है. सबसे पहले हम देखेंगे हमारा प्यारा भारत, है ना, आई होप यू आर एबल टू सी. यहां से हम यूरोप की तरफ जब हम जाते हैं, ये ईरान, इराक, तुर्की, है ना. तुर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा, यहाँ पे ब्लैक सी है इसके ऊपर. और इसके अगर आप वेस्ट में देखेंगे, जो ये पूरा मेडिटेरियन सी है, यहां पर ये कंट्री है, दिस इज ग्रीस. क्या आप देख पा रहे हैं इसको, दिस इज ग्रीस. तो ये जो ग्रीस है, यहाँ पे ये कुछ कंट्रीज है, इनको बालकान कंट्रीज बोलते हैं, कभी हम आगे देखेंगे. तो ये जो हीरोडोटस थे, कहां के थे, ग्रीस के. लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रीस का एरिया उस समय काफी बड़ा था, तो तुर्की वाला जो एरिया है, जिसको बाद में ऑटोमन एम्पायर भी बोला जाता था, वहां पर इनका बर्थ ऑफ प्लेस है. यानी कि एक्चुअल में देखा जाए तो जो हीरोडोटस है वो तुर्की में, आज के तुर्की में पैदा हुए थे, लेकिन वो ग्रीस जो है, यूनान जिसको कहते हैं, वहां के वो माने जाते हैं.
तो हिस्ट्री हिस्टोरिका और कहाँ पे हुए थे, ग्रीस, है ना। तो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, ज्योग्राफी की तरफ। तो हु इज नॉन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? ओके, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। प्यारे बच्चों, फादर ऑफ ज्योग्राफी को जानने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हम जो पढ़ रहे हैं, दैट इज कि जो भी प्लेन्स हैं, प्लेच्यूज हैं, रिवर हैं, आइलैंड हैं, जिन भी चीजों को हम पढ़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हमारे धरती पर, अर्थ क्रस्ट पर या वाटर उस पर है, उसको जब हम स्टडी कर रहे हैं, जो अभी है, जब हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज नॉन एज वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी। लेकिन अभी जो मैं फादर ऑफ ज्योग्राफी बता रहा हूँ, वो उन सभी का फादर माना जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे इसकी स्टडी की, तो हमने इसको दो टुकड़ों में बांटा। वन इज ज्योग्राफी, कई टुकड़ों में बांटा, लेकिन उसमें से एक ज्योग्राफी जो आप जान रहे हैं, जो ऊपर हमें दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से, दैट इज ज्योग्राफी। लेकिन जो उसके पीछे का रीजन है कि वो जो ज्योग्राफी, जैसे आज ये हिमालय बने हुए, ये हिमालय कैसे बने, किस तरीके से हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट हुई, उनकी कन्वर्जेंट हुई या उनकी डाइवर्जेंट हुई, या कोई अर्थक्वेक आया या कोई वॉल्केनोज आई, किस तरीके से उसके पीछे का जो रीजन है, यानी कि कौन कौन सी चीजें हुई जिसके बाद ये बना, उसको बोलते हैं जियोलॉजी, राइट। तो जो कारण को स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं जियोलॉजी। और जब हम कारण होने के बाद जो हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि जो हम प्रत्यक्ष रूप से हम स्टडी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ज्योग्राफी। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी आपकी, आप जानते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि मुगल काल, है ना, उसको हम बोल सकते हैं मुगल एरा, है ना। तो हम बोलते हैं खलजी एरा। जैसे अभी अगर हम बोलेंगे तो दिस एरा बिलोंग्स टू नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। तो ये 10 साल, यानी 5 साल वो जो अभी ये दोबारा से हमारे वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो ये एरा किसका है? एरा यानी युग, युग एरा मतलब युग, राइट। तो एरा, ये मैं आपको ज्योग्राफी के फादर याद कराने के लिए मैं आपको इस तरफ लेके जा रहा हूँ। तो जैसे आप जानते हैं कि जो ब्रेड होता है, ब्रेड से हमारी मम्मी जो है ब्रेड स्लाइस, ब्रेड पिज्जा, ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड टोस्ट, कई सारी चीजें हमें बना बना के खिलाते हैं। और उसमें से हम एक जो मेरा फेवरेट है और जो आपको समझना है, दैट इज टोस्ट, TOAST, टोस्ट, टोस्ट आते हैं, राइट। अब मुर्गियों का प्लूरल इंग्लिश में, मुर्गियों का, मुर्गी का प्लूरल मुर्गियां, और इंग्लिश में हैंस, HENS, तो ये क्या बन गया, एरा टोस्ट हैंस, TH मिल गया। FAT क्या होता है, फैट, HER, हर, दोनों को मिलाओ, यस गुड, दैट इज फादर, नॉट फैटर, राइट। तो ऐसे ही जब हम इनको जब बोलेंगे, तो इट मे बी इट्स इट इट जो इसकी बोलने वाली जो इसकी प्रोनंसिएशन है, इट मे बी डिफर, थर्स, थर्न्स, है ना, एराटोस्थेन्स। एराटोस्थेन्स इज कंसिडर्ड एज दी फादर ऑफ ज्योग्राफी। अभी जो एराटोस्थेन्स हैं, ये सिर्फ ये मैथमेटिक्स में भी बहुत ही अच्छे थे, है ना। उनकी उनकी कई चीजें अभी भी जो है वो पढ़ी जाती है मैथमेटिक्स में। और जहां तक की बात है भूगोल की, ज्योग्राफी की, इन्होंने पूरे जो हमारे पूरे अर्थ को 5 टॉरिड जोन में, सॉरी, इन्होंने जो जोन्स में बांटा, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, लैंगिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड्स एंड जो हमारे लेटिट्यूड्स हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन दी, राइट। इसके अलावा लीप ईयर क्या है, उसके बारे में पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ इन्होंने कैलकुलेट किया। और इन्होंने जो बुक लिखी, दैट वॉज ज्योग्राफी का, अगेन आई एम टेलिंग के ए, ग्रीक में ये वर्ड जो इनकी वो है, इस वजह से इसको ज्योग्राफी का, KA, नॉट CA। तो इन्होंने उन्होंने लिखी थी हिस्ट्री, हिस्टोरी का इन्होंने लिखी, ज्योग्राफी ने, एराटोस्थेन्स ने क्या लिखी, ज्योग्राफी का, राइट। और ये सिर्फ इसमें ही अच्छे नहीं थे, ये मैथ्स में और कई चीजों में ही एज अ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। वर्सेटाइल का मतलब होता है जो किसी एक चीज में तो दक्ष है ही है, उसके साथ में और भी चीजों में वो दक्ष है, विलक्षण प्रतिभाओं का धनी, उसको बोलते हैं वर्सेटाइल। तो ये बड़े वर्सेटाइल पर्सनालिटी थी। तो एराटोस्थेन्स जो है वो लीबिया, लीबिया एक अफ्रीका में कंट्री है, जिसकी कैपिटल है त्रिपोली। आप ये देखेंगे, दिस इज आवर अफ्रीका, राइट, दिस इज इजिप्ट, दिस इज रेड सी, दिस इज इजिप्ट, दिस इज लीबिया, राइट। लीबिया की कैपिटल देखो त्रिपोली, राइट। तो लीबिया जो है ये यहाँ पे पैदा, इनका जन्म हुआ था लीबिया में, राइट। तो जो एराटोस्थेन्स थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, लीबिया में, और लीबिया की कैपिटल क्या है, त्रिपोली, त्रिपोली। ज्योग्राफी का इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, ज्योग्राफी का। तो इसी तरीके से
सिर्फ ज्योग्राफी के लिए, भारत में भी, भारत की जो ज्योग्राफी है भारत को भी कैलकुलेट किया, तो इस तरीके से भारत में भी एक इंडियन फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बोला जाता है, आई नो कि आपको पहले ही पता है, दैट्स जेम्स रेनल। आपने 8th में भी पढ़ा होगा, जेम्स रेनल। जेम्स रेनल इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, राइट। तो ये हमने देखा अबाउट ज्योग्राफी। अब हम चलते हैं सिविक्स के ऊपर। तो जो सिविक्स है आप जानते हो प्यारे बच्चों, सिविक्स जो है वो एज अ सब्जेक्ट वो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये 10th के बाद जब आप जाते हैं तो ये कई स्ट्रीम्स में, कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस वजह से सिविक्स को हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर इसके जो है ये फादर है, लेकिन अलग अलग जगह पे बेंजामिन फ्रैंकलिन को भी बोला जाता है कि फादर ऑफ सिविक्स। लेकिन जो मैक्सिमम लोगों ने माना है वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल यानी कि सिविक्स के फादर कौन है जिनको माना जाता है, दैट इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, इसको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरस्तु। और ये जो अरस्तु है ये सिकंदर महान जो जीता, सिकंदर जो अगेन ग्रीस के ही थे, और ये भी ग्रीस के ही है एरिस्टोटल, ये भी ग्रीस के ही है ना। तो मैंने क्या बोला था आपको, ग्रीस को बोला जाता है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। क्रेडल बोलते हैं पालना, और सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, यानी जितनी भी सभ्यताएं हुई है उनका एक पालना है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि ग्रीस को जब हम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं, और वो क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग जन्म हुआ, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेट्स, है ना, हीरोडोटस, तो इन लोगों की वजह से, सिकंदर महान, तो इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है। तो सिविक्स के फादर कौन है? एरिस्टोटल। और यही एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी भी है। फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी, तो यानी कि एरिस्टोटल इज फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ सिविक्स, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरिस्टोटल एज ऑफ नाउ। अभी इसमें आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि एक तो ये ग्रीस के थे, और दूसरा ये गुरु थे किसके? सिकंदर महान के, अलेक्जेंडर के गुरु। अब बारी आ गई इकोनॉमिक्स। अब आप जानते हैं इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स यानी पैसा, अर्थ। अगर आप देखें चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है, जिनको बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, उन्होंने एक बहुत ही प्यारी, मैंने वो खुद, मेरे पास वो किताब भी है और मैं उसको पढ़ा है मैंने उसे, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी कुछ उसमें लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि ही इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह पर जो समाज है हमारा, उसका जो मूलभूत जो चीज है वो पैसा, यानी कि इकोनॉमिक का आदान प्रदान, यानी कुछ ना कुछ सिस्टम तो रहा है। तो एज सच हम ये नहीं कह सकते कि ही इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन यस हम यहाँ पे कहते हैं कि ही इज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, है ना। और इसी को हम कई बार ये भी बोल देते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ये कहां के थे? ये थे स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड कहाँ है? इंग्लैंड में, राइट। इंग्लैंड कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में मैं आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो स्कॉटलैंड, एडम स्मिथ कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के, ठीक है, इंग्लैंड का ही ये पार्ट। और इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या लिखा था? वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि वेल्थ मतलब पैसा, पैसा पूरी जितने भी नेशन है उन सबका पैसा। तो इसके बाद, इन कृति के बाद इन्हीं को ही कंसीडर किया गया, ही इज एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो क्योंकि हम SST के स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कहाँ से, इसकी रूट क्या है। तो इस वजह से मुझे लगा कि शायद ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि दैट हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो आपके लिए अगर ऐसा कुछ इसमें है नहीं, आप यहाँ ये देख सकते हैं अगर आपको क्लिक लेनी है, राइट, एरिस्टोटल, कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज। गुड लक, लव यू ऑल।